बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फिजिक्स ओ लेवल P1 का एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करता है, डायग्राम शोज अ बॉय ऑफ वेट 500 न्यूटन सिटिंग ऑन अ सी सॉ, ही सिट्स फ्रॉम द पिवट, व्हाट इज द फोर्स एफ नीडेड टू बैलेंस अ सी सॉ। भाई तो सबसे पहले जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है भाई, सॉरी एक मिनट, हमारे पास यहाँ पर आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर भी हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, F1 D1 F2 D2। अच्छा, अब हम जाते हैं सबसे पहले क्लॉकवाइज में। हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो ये है, और जो एंटी क्लॉकवाइज में वो ये है। ठीक है, क्लॉकवाइज में फोर्स हमारे पास है 500 और डिस्टेंस हमारे पास है 2 मीटर। इसी तरह जो हमारे पास एंटी क्लॉक में है, हमारे पास फोर्स F है, हमें नहीं पता, अननोन है हमारे पास F, और डिस्टेंस जो है हमारे पास वो है 4 मीटर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 4, एफ आपके पास यहीं रहेगा, एफ इज़ इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका 250 न्यूटन है आंसर है, तो ये एफ है, सॉरी ई लग रहा है, तो 250 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। थैंक यू।